हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? नाउ टुडे विल कंटिन्यू अवर क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ मिसलेनियस। नाउ गाइस, दिस आर टफेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन अपन एंट्री मार रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन वही हो जाएंगे क्वेश्चन 6 मार्क्स के या 4 मार्क्स के सेक्शन डी वाले, जो हम लोगों ने 6.5 में किए थे। जो बड़े क्वेश्चन 13 से लेकर जो अपने क्वेश्चन किए थे, वो क्वेश्चन चालू करने वाले हैं। एंड अमंग ऑल ऑफ देम, दिस वन इज द टफेस्ट वन। थोड़ा लेवल रखता है क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो अटेंटिव रहना, ध्यान रखना। चलो चालू करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल इंस्क्राइब इन एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, एक्स पर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू 1, विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। वन एंड ऑन द मेजर एक्सिस। आई नो बच्चों, यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, लेवेंथ कंसेप्ट आ रहे हैं, कुछ लेवेंथ कंसेप्ट आ रहे हैं, वो एक इशू बन सकता है, ठीक है? चलो मैं ट्राई करता हूँ आपको रिजॉल्व करने की, पर थोड़ा अटेंशन देना है यहाँ पे बच्चों। नौ, चलो चालू करते हैं। चलो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। इसका डायग्राम बनाते हैं अपन लोग, ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन टफ इसलिए है क्योंकि इसमें लेवेंथ आती है। ये मेरा एलिप्स बना, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वेशन वन। सो बच्चों, ये होता है मेजर एक्सिस, तो इस पॉइंट को बोलेंगे ए कॉमा जीरो। ये होता है माइनर एक्सिस का, तो जीरो कॉमा बी। उसी तरह पीछे आ जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो, ये नीचे आ जाएगा जीरो कॉमा माइनस बी। गाइस प्लीज़, बहुत अटेंशन, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें होगी आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, बहुत क्लियर। फ्रेंकली कुछ टीचर्स कहते हैं कि हो जाता है, अरे ऐसे कैसे हो जाता है, कुछ चीज़ें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वाह, अपन तो समझ सकते हैं। नाउ अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है एक ट्राइंगल बन रहा है एलिप्स के अंदर, तो मुझे वो ट्राइंगल बताओ, उस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया निकालना है, मैक्सिमम एरिया, ठीक है? यहाँ पर उस ट्राइंगल का वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया होगा कब? ना देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल ले लो। अब ट्राइंगल तो हजारों बनेंगे इसके अंदर, लाखों ट्राइंगल बनने वाले बच्चों। छोटा ट्राइंगल देखो ना, एक एलिप्स बना ना, तो छोटा ट्राइंगल बना, बड़ा ट्राइंगल बना, ऐसे खूब सारे ट्राइंगल बनेंगे। वन एंड ऑन द मेजर एक्सिस, तो इसका एक एंड बच्चों किस पे आया, मेजर एक्सिस पे आया। बाकी ट्राइंगल बन सकते हैं अलग अलग ट्राइंगल, तो ऐसे कितने सारे ट्राइंगल बनेंगे, पर उनमें से एक ट्राइंगल होगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। वो क्या होगा एरिया, दूसरी बात, वो कब बनेगा। सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया, ठीक है, ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल ऑफ एन एलिप्स। इक्वेशन दे रखी है, चलो लेट्स स्टार्ट। ना बच्चों, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, नई नई चीज़ें आप लोग सीखोगे यहाँ पे, इतना इजी नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। चलो लेट्स ट्राई। अब ट्राई करना बच्चों, एक आती है पैरामेट्रिक फॉर्म आती है, जरा देखना। इसको बोलेंगे, इस वर्टेक्स को बोलेंगे ए कॉस थीटा कमा बी साइन थीटा। प्लीज़ ध्यान देना बच्चों, क्या होगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, जरा चेक करो। अगर मैं एंगल जीरो लेता हूँ, कॉस जीरो हो जाएगा वन, साइन जीरो हो जाएगा जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो ए कॉमा जीरो आ रहा है। अगर 90 लेता हूँ तो कॉस ए कॉस 90 जीरो हो गया, जीरो हो गया, और बी कॉस 90 वन, तो बी इंटू वन बी, तो जीरो कॉमा बी। देखो जीरो कॉमा बी आ रहा है, 90 लेने पे ये वाला पॉइंट आ रहा है और जीरो लेने पे ये वाला पॉइंट आ रहा है। क्लियर गाइस, परफेक्ट। नाउ एक चीज़ और देखो, जितनी हाइट ऊपर उतनी हाइट नीचे भी। देखो ये सिमेट्रिक है ना, एलिप्स पूरा सिमेट्रिक होता है, तो यही पॉइंट ऑलमोस्ट वो ये पॉइंट जो होगा वो भी यही होगा, बट ये होगा ए कॉस थीटा कॉमा, पर ये जितनी हाइट ऊपर उतनी हाइट नीचे, तो हाइट बोले तो बी साइन थीटा, तो इधर नीचे भी होगा, तो माइनस बी साइन थीटा लेना, ये ध्यान रखना। क्या लोगे, माइनस बी साइन थीटा। ये चीज़ में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको बेटर रहेगा। इस डायग्राम को एनसीईआरटी में ही बना लेना, बुक में बना लेना, जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो नेगेटिव पार्ट में माइनस बी साइन थीटा। परफेक्ट गाइस, चले अपन आगे चले। ना देखो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा, बहुत। तो लेट एरिया भी ए हाफ। अब बेस सोचना, बेस बच्चों क्या ये पूरा बेस हुआ, यस और नो बताओ, क्या ये ब्लैक लाइन वाला जो दिख रहा है ये पूरा बेस हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया। अच्छा जरा सोचना, रुको रुको,
बेस तो सॉरी ये होता है, बेस तो ये हो गया ट्राइंगल का लेटा हुआ ट्राइंगल है, बेस तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक बी साइन थीटा। अरे एक्स वाला होता है बेस, वाई वाला होता है हाइट, अरे वाई हाइट होती है, वाई वाला हाइट, बेस वाला एक्स एक्सिस, तो हाइट बेस को बोलेंगे 0, b sin थीटा, तो क्या आया b sin थीटा, तो कितना हो गया 2b sin थीटा। कोऑर्डिनेट्स में नेगेटिव है ठीक है ना, जो उसका बेस है ना वो एक स्टैंडिंग पार्ट में है ना, सो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक b sin थीटा, यहाँ से यहाँ तक b sin थीटा, b sin थीटा + b sin थीटा कितना हो गया 2b sin थीटा। और हाइट बोले तो जो कि लेटी हुई है, हाइट जो कि लेटा हुआ है हॉरिजॉन्टली है, यहाँ से यहाँ तक a, 0 से लेके a, प्लस यहाँ से यहाँ तक a cos थीटा, इतना सा पार्ट कितना है बच्चों ये x एक्सिस पे बना हुआ है, तो यहाँ से जो लाइन जा रही है वो क्या है प्लस a cos थीटा ठीक है। इस पर थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों पे, थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज। तो हाइट ये बेस जो है जो वर्टिकली है तो उसको b sin थीटा + b sin थीटा प्लीज़ याद करें, इसको समझें बेटर रहेगा समझें। यहाँ से यहाँ तक a हो गया और ओरिजिन से पीछे तक कितना हो गया a cos थीटा, कितना हो गया a cos थीटा। सो कैन आई टेक कॉमन a, b एरा sin थीटा 1 + sin कितना cos थीटा, परफेक्ट। जरा एक काम करो इसको अंदर भेज दीजिए, sin थीटा cos थीटा परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। गाइस मेजर पार्ट ये था, समझने लायक चीज़ ये थी, अब तो सब काम सारा हो जाएगा पर मेन चीज़ ये थी ठीक है। नाउ dA बाय डी थीटा ये भी बैठा एज इट इज, साइन का हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पे लगेगा अच्छी प्रोडक्ट रूल, साइन बैठा तो cos का हो जाएगा -sin थीटा, cos बैठा साइन का हो जाएगा cos थीटा, डन। तो ए भी आया cos थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं अपन बच्चों, बहुत लोचा बढ़ रहा है, अब क्या करें जरा सोचना बच्चों। अब बच्चा जानता है कि dA बाय डी थीटा को 0 रखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये वाला पार्ट तो 0 के नीचे गया और 0 हो गया ना। सोचो बच्चों, माइनस साइन स्क्वायर को लिखा मैंने 1 - cos² θ प्लस cos स्क्वायर थीटा ठीक है, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं 1 - cos² जरा खोलो इसको। गाइज दिस इज टफ क्वेश्चन, नॉट ए इजी क्वेश्चन गाइज, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो cos² 2 cos² θ प्लस cos थीटा -1 = 0 परफेक्ट डन। जरा सोचो बच्चों, वी आर डूइंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ठीक है, आई थिंक सबको आता है। कितना 1 - 1 कॉमन ले लिया cos थीटा प्लस 1, सो फाइनली मेरे पास मिला 2 cos θ - 1 और cos थीटा प्लस 1 परफेक्ट। चलो नाउ वी नो दैट 2 cos θ - 1 = 0 और एक होगा cos θ + 1 = 0, इसको वहाँ भेजें तो cos θ = ½ एंड हाफ कब आता है बच्चों, cos हाफ आ जाएगा अपना 30 पे या 60 पे ठीक है, तो π/3 डन। सो थीटा कितना आया बच्चों π/3 परफेक्ट, π/3 बोला 60 पे हाफ परफेक्ट, ये वहाँ गया तो cos θ = -1, थीटा -1 कब आता है, π पे आता है, सो cos थीटा
इक्वल्स टू कॉस पाई, तो थीटा इक्वल्स टू पाई। नाउ बच्चों वी हैव टू वैल्यूज ऑफ थीटा, आई थिंक विजिबल है ना, यहाँ पाई बाय थ्री लिखा मैंने। नाउ देखो बच्चों पाई तो पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं, मतलब थीटा मतलब क्या होगा इसका एंगल। अब सर बताओ ट्राइंगल का तीनों अंगों से समी 180 होता है, तो अकेला एंगल 180 कैसे होगा, क्या ये एंगल 180 होगा? अगर ये 180 होता है तो लाइन पूरी चिपक जाएगी एक्स एक्सिस के, तो ये एक लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। और वैसे होता है ना ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो एक सिंगल एंगल 180 नहीं पॉसिबल है, तो ये तो नॉट पॉसिबल केस हो गया। ठीक है, सो पॉसिबल केस क्या है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय थ्री, आई थिंक सबको विजिबल है। ठीक है, पाई बाय थ्री तक क्लियर। नाउ देखो बच्चों अब मुझे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एरिया को मैक्सिमाइज भी करना है। नाउ मेरा एरिया ये रहा, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन वन। सो बच्चों डी ए बाय डी थीटा का डबल डिफरेंशियल, ए भी बाहर बैठा रहेगा, कुछ यूट्यूब पे डबल डिफरेंस सिखाते नहीं है, प्लीज ढंग से सीखो, प्रैक्टिस करना गाइस, उससे आपकी गलत आदत पड़ जाती है प्रैक्टिस नहीं करने की, प्रैक्टिस करना उसको। ठीक है, सो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, आई नो आपको पता है, इधर देखो माइनस टू कॉस थीटा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन। नाउ पुट करेंगे थीटा को कितना, पाई बाय थ्री, बोले तो 60, परफेक्ट। सो डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, मुझे मैक्सिमम प्रूव करना है तो नेगेटिव आएगा ना, ठीक है, माइनस साइन 60 कितना हो जाएगा रूट थ्री बाय टू, टू साइन 60 हो जाएगा रूट थ्री बाय टू इंटू हाफ, माइनस टू हाफ इंटू रूट थ्री बाय टू, कोई तकलीफ नहीं है, परफेक्ट। सो ये टू और टू गया, ये टू गया, सो फाइनली हमारे पास है माइनस रूट थ्री बाय टू माइनस रूट थ्री बाय टू, अरे माइनस रूट थ्री बाय टू, तीन रूट थ्री बाय टू, बोले तो माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू, विच इज नेगेटिव, सो एरिया इज मैक्सिमम, सो एरिया इज मैक्सिमम, परफेक्ट एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय थ्री। जरा फील करो बच्चों, इसका मीनिंग ये होता है कि ना ऐसे हजारों ट्राइंगल बनेंगे, बट ट्राइंगल का एरिया जब क्या होगा 60 होगा, तब जाके मुझे एरिया मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है बच्चों, नाउ मुझे मैक्सिमम एरिया भी निकालना है, मैक्सिमम एरिया भी निकालना है बच्चों, ध्यान रखना। सो अपन क्या करें, एरिया ये रहा, कहाँ गया, ये रहा एरिया, ये रहा एरिया, या कोई सा एरिया ले लो, ठीक है, ये रहा मेरे पास मेरा एरिया, एरिया निकालना है मैक्सिमम एरिया क्या आ रहा है, चलो चालू करते हैं। सो एरिया आ रहा है ए बी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, सो एरिया आया ए बी बच्चों साइन पाई बाय थ्री प्लस साइन पाई बाय थ्री कॉस पाई बाय थ्री, सो फाइनली मेरे पास आया ए बी साइन पाई बाय थ्री 60 रूट थ्री बाय टू ना बच्चों, हाँ रूट थ्री बाय टू इंटू हाफ, तो कितना आया रूट थ्री अपॉन टू प्लस रूट थ्री अपॉन फोर। सो गाइज यू हैव टू टेक एलसीएम, सबको आता है एलसीएम लेना, फोर आया टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री, सो फाइनली हमारे पास आया ए बी कितना आया थ्री रूट थ्री अपॉन फोर, फाइनली थ्री रूट थ्री अपॉन फोर ए बी स्क्वायर यूनिट, ये तो अपने अपने मन से ऐड कर दिया स्क्वायर यूनिट। सो गाइस मैक्सिमम एरिया क्या होगा इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का, थ्री रूट थ्री ए बी अपॉन फोर, दिस शुड बी द मैक्सिमम एरिया, क्या आया थ्री रूट थ्री ए बी अपॉन फोर। सो गाइस समझ में आया गाइस, इस वीडियो को ना इस क्वेश्चन को एक बार वापस देखना,
बहुत धीरे आता है। मैं छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ लोगों को। मैं क्या हुआ, पैरामेट्रिक फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। आई नो काफ़ी लोगों को याद नहीं है, ठीक है। तो ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा, जस्ट ये जो बेस है नीचे भी जा रहा है, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो ये नेगेटिव में हो गया। फिर सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस डबल ले लेना क्योंकि ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, तो टू बी साइन थीटा। फिर ये वाला जो हाइट है जो हॉरिजॉन्टली है यहाँ से आते, तो ए पीछे हल्का सा और बड़ा, कितना बड़ा, ए कॉस थीटा जितना, क्योंकि एक्स को रिप्रेजेंट करता है ये। अरे पहले एक्स फिर वाई, तो पहले एक्स को रिप्रेजेंट करेगा ये, तो इतना तो ए प्लस ए कॉस थीटा। देन सिंपल ए कॉमन लिया, देन सिंपली डिफ्रेंशिएशन, देन थोड़ा सा कॉमन सेंस, पाई पॉसिबल नहीं है, ट्राइंगल का सम ही 180 होता है, तो 180 पॉसिबल नहीं है, तो पाई बाय 3। आई थिंक सबको विजिबल है ना, पाई बाय 3 सबको विजिबल है। थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे बस फिर डबल डिफरेंशिएट करना, पर गाइस सीखना, प्रैक्टिस करते रहना, डबल डिफरेंशिएट मैक्सिमम प्रूव करने की प्रैक्टिस भी करना, ठीक है बच्चों, क्लियर। देन यू हैव टू फाइंड द सिंपल एरिया, गाइस क्लियर, पॉज द वीडियो, नोट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th के बारे में। ये थोड़ा ईजी है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 8th, ठीक है। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी मेरे जानना कि रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है। तो इट्स गिवन कि रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड है। ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 meters, मतलब एक टैंक है जिसकी हाइट क्या है 2 meters है, वॉल्यूम गिवन है 8 meters cubed। इफ बिल्डिंग ऑफ अ टैंक कॉस्ट 70 rupees पर मीटर स्क्वायर फॉर द बेस, अगर मुझे टैंक बनाना है, अब थोड़ा इमेजिन करो वॉल अपना जो टंकी होती है पानी की, उसको इमेजिन करो, उसका जो बेस है ना उसका कॉस्ट पड़ा 70 rupees पर मीटर स्क्वायर एंड 45 rupees पर मीटर स्क्वायर फॉर द साइड्स। उसकी दीवारें बनानी है, चार दीवारें होती है, चार दीवारें, ठीक है, और टॉप से नहीं है, तो दीवार बनाने का कॉस्ट आ रहा है 45 rupees पर मीटर स्क्वायर। वॉट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, मतलब मुझे अपने घर की टंकी बनानी है पानी की टंकी, और कम से कम खर्चा हो, ऐसे किस मतलब कैसे डायमेंशन कैसे होने चाहिए टैंक के, तो अपन निकालने का है ना बच्चों। एक डायग्राम बना ले अपन, बेटर रहेगा ना, एक डायग्राम बनाते हैं अपन, जरा इमेजिन करना, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। ये अपना टैंक डायग्राम अपन अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा और स्पेस का यूज़ करते हैं अपन। ये मेरा रेक्टेंगुलर टैंक, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसकी चार दीवारी, ठीक है ना, परफेक्ट। इसकी लेंथ हम मान लेता हूँ मैं एक्स मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ब्रेथ को मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, और हाइट जो कि गिवन है मुझे, डेप्थ मतलब हाइट होती है, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 meters गिवन है। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को, तो अपन मेंशन कर लेते हैं, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बच्चों ना, बी एक्स मीटर एंड वाई मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जरा बच्चों अपन एक अपना तरीका था ना, अंदाज था ना मेरा, एक तरीका आपको सिखाया था मैंने क्वेश्चन को थोड़ा समराइज करने का, है ना, मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है मुझे, लीस्ट मतलब कॉस्ट को मुझे मिनिमाइज करना है, कॉस्ट बोले तो सी मान लेंगे अपन, उसको करना है मिनिमम प्रूव करना है। टू फाइंड क्या है बच्चों, यहाँ पे x एंड y फाइंड करना है, एनीथिंग गिवन, गिवन बच्चों है यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पे कहाँ गया वॉल्यूम गिवन है 8 meters cubed, क्या बात समझ में आई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका आता है सब लोगों ने 6.5 मुझसे अच्छे से करी है। चलो अब मुझे करनी है कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो सी कॉस्ट क्या होता है, एरिया इंटू प्राइस। जैसे कॉस्ट क्या हुआ, मैं 2 dairy milk ले गया, एक डेयरी मिल्क 5 rupees की, तो 2 into 5 10 आया था, दैट इज कॉस्ट, प्राइस पर यूनिट, ठीक है, इनटू क्वांटिटी। चलो अब आगे चलते हैं, एंड लेट द कॉस्ट बी सी, परफेक्ट, डन करें अपन, आगे चलें अब। तो नाउ मुझे गिवन क्या है, वॉल्यूम होता है बच्चों यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, LBH होता है, L इनटू B इनटू H, वॉल्यूम मुझे गिवन है यहाँ पे, वॉल्यूम कितना गिवन था यहाँ पे 8 meters cubed वो रहा, ठीक है। सो 8 आया, लेंथ है x, ब्रेथ है y, हाइट है 2, तो 4 टाइम कटा, तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 4 आया। मुझे कुछ सेटिंग करने का है, बताऊँ क्या करने का है,
बाद में बताऊँ, बढ़िया रहेगा, बाद में करेंगे अपन। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्स इंटू वाई इक्वल टू फोर, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? चले अपन आगे। नाउ डेफिनेटली कॉस्ट निकालना है, तो एरिया इंटू प्राइस, प्राइस तो है पर एरिया भी चाहिए। नाउ सी एरिया ऑफ फोर वॉल्स, गाइस प्लीज इमेजिन करें, फोर वॉल्स, टैंक बन गया, बेस ठीक है, पर चार वॉल के बारे में बात करते हैं। तो देखो जरा सोचो, ये जो वॉल बन रही है क्या होगा, वाई इंटू टू टू वाई, इधर का भी क्या होगा जस्ट अपोजिट टू वाई, इधर वाला ये जो दीवार है देख पा रहे हो, इधर वाली हाइट टू बेस एक्स, तो टू एक्स हो जाएगा, पीछे जस्ट पीछे टू एक्स। भाई बेसिक सिर्फ एक प्लेट का निकालो, एक दीवार का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल सा। तो यहाँ पे दो है, एक्स इंटू टू हो जाएगा, तो टू एक्स जस्ट अपोजिट में टू एक्स, नीचे वाला देखो इधर वाला को, इधर वाला टू वाई, उधर वाला भी टू वाई, तो क्या बना आपका यहाँ पे एरिया, टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू वाई, तो ये मुझे मिला फोर एक्स प्लस फोर वाई, बोले तो फोर इंटू एक्स प्लस वाई, ये आया एरिया फोर वॉल्स। गाइस आई थिंक ये फंडा क्लियर हो गया होगा, वॉल का एरिया कैसे निकालते हैं। जस्ट इमेजिन योर वॉल ना, हाइट दिखेगी और ब्रेथ दिखेगा, ठीक है, तो उसको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हाइट है टू, लेंथ है एक्स, तो टू एक्स, यहाँ पे ब्रेथ है वाई, हाइट है टू तो टू वाई, ठीक है, और ऐसी चार दीवारें हो गई, ठीक है, दो दो के पेयर, परफेक्ट। आगे चलते हैं। नाउ गाइस आंसर, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, अरे बेस तो होगा एक्स इंटू वाई, एंड एरिया ऑफ बेस हो गया एक्स इंटू वाई। नाउ कॉस्ट सी बात करें, बेस बन रहा है 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, सो बच्चों 70 इंटू एक्स वाई, परफेक्ट, और जो वॉल का है पैसा वो कितना है 45 रुपीज, तो 45 इंटू फोर इंटू एक्स प्लस वाई, कोई आपत्ति किसी को? सर यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, हाँ तो एक में कर दो ना, कैन आई राइट वाई इक्वल्स टू फोर अपॉन एक्स बाय वन, सी इक्वल टू 70 एक्स इंटू फोर अपॉन एक्स प्लस 45, अच्छा 44 जा 20 8 16 18 180 एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स, दिस इज माय कॉस्ट का फॉर्मूला। अच्छा सर देखो कट रहा है तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो सी कितना आया 0 7 28, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलें अपन आगे। प्लस 180 एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट इन वन वेरिएबल। नाउ पूरी इक्वेशन कितने वेरिएबल में आ रही है, कितने वेरिएबल में आ रही है, एक वेरिएबल में आ रही है, सो डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। गाइस सारे क्वेश्चन को हल्के मतलब ना, इन सब क्वेश्चन में लेवल है, हर चीज़ नई है, सबका एक नया कंसेप्ट, अरे नया क्वेश्चन है, गाइस हल्के मतलब, आप ये मत सोचना कि मैंने एक बार पढ़ा दिया और जो लोग पहली बार पढ़ रहे पढ़ा दिया समझ में आ गया, नहीं 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 ऐसा नहीं आता, आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, पॉज करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं बोला क्या, ठीक है ना, ये इतने हल्के क्वेश्चन मत लेना इन लोगों को, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को हल्के मत लेना। 280, अच्छा 280 का क्या हो गया, डी सी अपॉन डी एक्स वाला 280 का तो क्या 0 प्लस 180 एज इट इज रहेगा, एक्स का हो गया 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, आई थिंक फंडा क्लियर होगा यहाँ पे बच्चों को, 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, खूब डिस्कशन किया है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, फॉर्मेट पता है ना, 1 अपॉन एक्स क्यूब का होगा माइनस 3 अपॉन एक्स पावर 4, फंडा क्लियर है। चलो अपन आगे चलते हैं अपन, सो फाइनली कैन आई राइट लाइक दिस, डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 180 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, अरे लाला मैंने सिंपल एलसीएम ले लिया ना, सिंपल एलसीएम ले लिया, परफेक्ट, चलें आगे चलें। अब देखो जीरो रखना है, जीरो रखना पड़ेगा ना, बच्चा बच्चा जानता है कि सर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर इसको जीरो रख दो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आता होगा सबको, सो 180 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वहाँ गया शटाक, ये भी वहाँ गया 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4,
So finally we are having the extreme point x equals to plus 2 minus 2. थोड़ा सा अच्छे से लिखो सर, अच्छे से, मज़ा आ रहा है ऐसे लिखने में. ऐसे लिखो बच्चों, क्या माइनस टू पॉसिबल है? जरा सोचो, सोचो तो सही, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. अरे यार, लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? सर बिल्कुल भी नहीं हो सकती. सो गाइज, दिस इज नॉट पॉसिबल, कैन नॉट बी नेगेटिव. पॉसिबल क्या हो गई? x इक्वल्स टू टू. सो सर y की वैल्यू, हाँ निकाल लो यहाँ से. सो y इक्वल्स टू 4 अपॉन x. सो y इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, बोले तो 2, तो y कितना है? 2. क्या मैं यूनिट लिख दूँ? 2 मीटर. कोई तकलीफ तो नहीं किसी के? 2 मीटर, परफेक्ट. अच्छा तो सर आपने x और y तो निकाल दिया, x 2 मीटर, y 2 मीटर, परफेक्ट गाइस. नाउ मुझे चाहिए थी लीस्ट एक्सपेंसिव, कॉस्ट को मिनिमाइज करना था, ठीक है ना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना था. सो दिस इज द सिंगल डिफरेंशिएशन. इसको एक बार और कर दें और उसमें टू पुट कर दें तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट मिनिमम हो चुकी है. अच्छा सर, कॉस्ट को मिनिमम ला रहे हो आप, है ना, तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए ना, पॉजिटिव होना चाहिए ना. चलो ठीक है. नाउ अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन टू. सो डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जरा ध्यान से, 180 तो जिंदा रहेगा अभी. टू इसको कर रहा हूँ, इसको 2-1 इसको मान लेते हैं, ठीक है. 1 का हो गया 0. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू जा 8 और अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है. अब बच्चे को दिख रहा है 2 रखा कि पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कट गया, कुल मिला के 180 आया, विच इज ग्रेटर देन 0. सो कॉस्ट ऑफ टैंक इज मिनिमाइज, इज लिस्ट, लिखो ना लिस्ट, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर एंड वाई इक्वल्स टू 2 मीटर. क्या फंडा समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन क्लियर हुआ, उधर 180 आ गया, परफेक्ट. सही किया सबको, डबल डिफरेंस सही किया अपन ने, परफेक्ट परफेक्ट गाइस, क्लियर. सो दिस थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 or 3 टाइम, एटलीस्ट गाइस, क्लियर. सिंगल मैंने माना कॉस्ट का, क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ पर यूनिट, परफेक्ट निकाला, डिफरेंस किया और आपको आपका आंसर मिला. क्लियर गाइस, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन में 10th के बारे में. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वाला, और ईजी है, टफ नहीं है, ठीक है. नाउ द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के. सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज के, वेयर के इज सम कॉन्स्टेंट. अच्छा मतलब गिवन क्या है? के गिवन है, और के कौन है? सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर. स्क्वायर का था 4x और सर्कल का था 2πr, ठीक है. प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट. अच्छा मतलब मिनिमाइज करना है, लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ ए सर्कल. क्या बोलना चाह रहा है ये? प्रूव दैट द सम ऑफ द एरिया इज लीस्ट. ठीक है, एरिया लिस्ट कर देंगे, बट कब? व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ ए सर्कल. अच्छा चलो एक बार डायग्राम बनाऊंगा, थोड़ा डायग्राम बनेगा तो क्लियर होगा. चलो हल्का का क्लियर हुआ, जरा देखना बच्चों. मतलब मैंने मान लो एक स्क्वायर बनाया जिसकी साइड में मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, ठीक है, एंड एक सर्कल बनाते हैं जिसका अपन रेडियस मान लेते हैं r. यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अपन लिख लेते हैं ना एक बार, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x एंड द रेडियस ऑफ सर्कल बी r. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. एंड लेट द एरिया बी ए, वो है ना कंबाइन एरिया, इसको प्रूव करना है मुझे वो, ठीक है, परफेक्ट. नाउ बच्चों आगे चलते हैं अपन. अब क्वेश्चन की डिमांड क्या चल रही है? क्वेश्चन एक चीज़ ये रखी है मुझे यहाँ पे, कॉन्स्टेंट गिवन है, ठीक है. यहाँ पे प्लीज़ ज़रा देखना बच्चों क्या गिवन है. द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड द स्क्वायर, एंड द स्क्वायर, ठीक है. तो 2πr प्लस 4x इक्वल्स टू k कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है?
क्वेश्चन में गिवन है ये बच्चों, सम ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, एंड स्क्वायर का होता है 4x, तो ये आ गया आपस, ठीक है। तीन लाइन छोड़ने का, क्योंकि ये गिवन है बच्चों, आपको पता है जो गिवन है उसमें तीन लाइन छोड़ते हैं। फिर लाना क्या है, प्रूव द सम ऑफ देयर एरियाज। अच्छा, मतलब एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? डेफिनेटली जो चीज़ मुझे गिवन है, जो के है वो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। अच्छा सर, थोड़ा क्वेश्चन को समराइज करो ना, वो अपना स्टाइल। आ जाओ बच्चों, समराइज करना सीखते हैं अपन, सिखा चुके हैं। अच्छा, मुझे मिनिमाइज करना है किसको, एरिया को, तो एरिया को, और एरिया मतलब कंबाइन एरिया, वाह, इसको मिनिमाइज करना है। अच्छा, और लाना क्या है मुझे, टू प्रूव करना है बच्चों, यहाँ पे प्रूव करना है, जरा देखना। व्हेन द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल द रेडियस स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 2r, ये लाना है। अरे यार सर, मजा आ गया। तो चलो अब आगे देखो, गिवन क्या है, गिवन है k, मतलब कांस्टेंट, मतलब जीरो, डिफरेंशिएशन जीरो। क्या फंडा, यहाँ तक क्लियर बच्चों? परफेक्ट। वीडियो को पॉज करें और बेटर है इसको वापस एनालाइज करें। आप लोग फ्लो विद द फ्लो मत जाओ, पॉज करो, सीखो पढ़ते कैसे हैं, पॉज करो, एनालाइज करो एक बार। नाउ आई थिंक कुछ लोगों ने पॉज किया होगा डेफिनेटली। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। नाउ बच्चों देखो, डेफिनेटली आपको ये सबको पता है कि जो गिवन वाला पार्ट होता है वो दो चीज़ों में काम आता है, एक तो एलिमिनेशन करने में, और दूसरा कुछ और चीज़ निकालने में काम आता है। यू नो वेरी वेल, अपन ने बहुत बार डिस्कस किया है इस बारे में। तो चलो, अपन यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स भी आ रहा है, आर भी आ रहा है। मैं किसी को भी हटा सकता हूँ, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको वहाँ भेजा, तो 4x इक्वल्स टू के माइनस 2πr, सो एक्स इक्वल्स टू के माइनस 2πr अपॉन 4, ये मेरे पास आया, x आया, जिसको मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, ठीक है। सो a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, कर सकते हैं ना, एक को तो एलिमेंट करना ही पड़ेगा ना, यू कैन एलिमेंट आर ऑल्सो और एक्स ऑल्सो, ठीक है, इट्स योर चॉइस, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ थोड़ा सा इजी पड़ता, कि यहाँ पाई है यहाँ पाई नहीं है, तो डजेंट मैटर, इट्स योर चॉइस, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4 का स्क्वायर 16 होता है बच्चों, इसको बाहर लिख दूँ, a माइनस b का होल स्क्वायर। सो बच्चों k का स्क्वायर माइनस 4 प्लस b स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 2 4 पाई के आर। क्या यहाँ तक क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है, चलें अपन आगे। ना देखो, पूरी इक्वेशन a की फॉर्म में आ गई, r की फॉर्म में, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं r, हाँ r के रेस्पेक्ट में। नाउ देखो बच्चों, dA by dr करते हैं अपन, तो हमको मिलेगा 2πr, अरे पाई तो कांस्टेंट, पाई आर स्क्वायर का 2r प्लस 1/16। जरा देखो बच्चों, k स्क्वायर तो जीरो, कांस्टेंट है, ध्यान से, हाँ ध्यान से, ये वाली चीज़ तो कांस्टेंट, 4πr स्क्वायर, आर स्क्वायर का होता है 2r, आर स्क्वायर का 2r, 2 4 जा 8, तो मुझे मिलेगा 8πr आर माइनस, परफेक्ट, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? सो गाइस, अपन आगे चलते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, कुछ चीज़ मिस तो नहीं करी अपन ने, परफेक्ट चल रहे हैं अपन। चलो, यहाँ पे 4πk के कॉन्स्टेंट है और r वेरिएबल है, तो कॉन्स्टेंट जिंदा रह जाएगा, और r का होगा 1, तो मुझे मिलेगा 4πk। यहाँ तक तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, चलें अपन आगे। नाउ गाइस, बच्चा बच्चा जानता है कि अब तो dA by dr इक्वल टू जीरो रखना है, फिर जरा सोचना, 2πr प्लस 1/16, फिर 8πr आर माइनस 4πk इक्वल टू जीरो। तो बच्चों इसको तक मैं वहाँ भेज रहा हूँ, तो कुछ स्टेप अपन गायब कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फिर 16 गया, उससे मतलब होने, तो संपट रखना, जरा देखना बच्चों, 32, चलो
नाउ सी गाइस व्हाट आई एम गोना डू, ये पाई और एक पाई निपटा, निपट सकता है ना। अच्छा एक और, फोर, फोर एट और थर्टी टू, मतलब तीनों ही मल्टीपल है फोर के, तो ये फोर भी जा सकता है, तो कहना राइट टू पाई आर माइनस के इक्वल्स टू एट फोर, तो माइनस एट आर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना। चलूँ मैं आगे, चल दूँ मैं, परफेक्ट काम क्या, सिर्फ देखो एट इनको भी निपटाया, एट फोर और थर्टी टू, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। लेट्स मूव ऑन, इसको वहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, टू पाई आर प्लस, तो कुछ लोगों क्वेश्चन आते हैं बट एग्जाम में क्या होता है बच्चों, आप लोग गलती कर देते हो, ठीक है। यहाँ पे नाउ ये के इक्वल्स टू ये आया, यहाँ पे के इक्वल्स टू, अरे वाह अमेजिंग यार, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं, बाय वन एंड टू। चलो लेट्स डू इट, टू पाई आर किसी सॉल्यूशन बुक में देखना हुआ, उसमें बहुत अजीब सा करते हैं लोग, मैं आपको तो बेस्ट चीज़ें सिखा रहा हूँ, बेस्ट चीज़ें, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है आपको। मैं जो भी सिखा रहा हूँ ना, मैं तीन चार सॉल्यूशन को एनालाइज करता हूँ कि हाँ सबसे बेस्ट कौन सा, सबसे अच्छा, उसको भी इजी बनाने का तरीके ढूंढता हूँ और फिर आपको देता हूँ गाइस। सो गाइस इनसे इजी कुछ नहीं मिलेगा, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जरूरी नहीं सिर्फ सॉल्यूशन, कुछ में सॉल्यूशन सेम मिलेंगे बट करने के तरीके सिखाऊंगा, तो वो करने के तरीके आपको मैं इजी सिखाऊंगा, ठीक है। सो थोड़ा सा ये जो वीडियो है, ये इनसे बेस्ट कुछ नहीं, इनसे बेस्ट और इनसे इजी सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, मार्केट में। चलो कटा, टू बचा तो एक्स प्लस टू टू आर आ गया। अरे क्या ये चाहिए था क्या? अरे हाँ सर देखो, एक्स प्लस टू आर आ गया, जो मुझे चाहिए था मुझे फाइनली मिल गया गाइस। सो वी हैव प्रूव दैट द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ अ सर्कल, परफेक्ट, क्लियर गाइस। नाउ मुझे लाना है, एरिया को मिनिमम करना है, अभी वो बाकी है। चलो आगे चलते हैं अपन, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मेरा एरिया कहाँ था? ये रहा एरिया, इसको मिनिमम करें, करें बच्चों अपन, इसको थ्री मान लें मैं अपन, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन थ्री विथ रेस्पेक्ट टू आर। वैसा संभल के वाह, कुछ लोग, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ कि कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं करते डबल डिफरेंशिएशन की, फिर एग्जाम में नहीं होता है, ठीक है ना, बेटर है पहले से प्रैक्टिस। तो टू पाई आएगा, अच्छा लीस्ट करना है, मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए ना, पॉजिटिव। चलो प्लस वन अपॉन सिक्सटीन, आर बैठा हुआ है तो ये तो हो गया वन, तो एट पाई स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा एट पाई स्क्वायर, फोर पाई के मतलब कांस्टेंट मतलब जीरो, तो इतना ही आया कुल मिला के, टू पाई कटा हाफ तो वन पाई। आई थिंक सबको चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है डेफिनेटली मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है ना। सो गाइस टू पाई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो, सही करा हुआ है अपन ने, सब कुछ प्रॉपर है ना, चेक कर लो प्रॉपर, तो जीरो से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सो इट इज, सो कंबाइन एरिया इज मिनिमम व्हेन एक्स इक्वल्स टू टू आर, यस और नो, कंडीशन क्लियर गाइस। इजी था ये क्वेश्चन, तो बड़ा टफ नहीं था, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन अपन करे, मैं वायर तोड़ा था अपन ने उसमें करा हुआ, नोट टफ नहीं है, क्लियर गाइस, पॉज द वीडियो, नोट इट ऑन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, इजी क्वेश्चन है कोई टफ नहीं है। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल, अच्छा एक रेक्टेंगुलर बना हुआ है उसके ऊपर एक सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर है एक सर्कल सेमी सर्कल ओपनिंग, द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 meters, अच्छा पेरीमीटर गिवन है यहाँ पे, अच्छा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। तो क्वेश्चन की बहुत खास बात क्या है, एक विंडो है जिसका पैरामीटर गिवन है और उस विंडो में मैक्सिमम लाइट आया, अब अच्छा मैक्सिमम लाइट आया तो मतलब क्या होगा, उसका एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, उसका एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो बिना एरिया का नाम लिए हुए इसने, बिना एरिया का नाम लिए हुए इसने बोल दिया मैक्सिमम लाइट आनी चाहिए उसके अंदर, क्या बात क्लियर,
फंडा क्लियर बच्चों? नाउ देखो क्या करना है इसके अंदर। सी पहले डायग्राम बनाए अपन, एक डायग्राम से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो एक डायग्राम बना ही देते हैं इसका। ये रेक्टेंगल आया, इसके ऊपर बना सेमी सर्कल, परफेक्ट। नाउ इस सेमी सर्कल की रेडियस होगा और ये भी आर होगा, रेडियस और रेडियस। इससे फायदा क्या मिला, अगर ये आर और आर है तो पूरा नीचे क्या हो जाएगा, टू आर। और इसकी ब्रेथ को मान लेते अपन x, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी क्या मान लिया अपन ने, x मान लिया। यहाँ तक भी क्लियर गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़रा मेंशन कर लें अपन कि क्या है, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पेरीमीटर गिवन है, कंबाइंड पेरीमीटर। वो है 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, चलो ध्यान से। 10 इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, एक्स प्लस एक्स टू एक्स। सबको पता ना पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, कॉर्नर की जो होती है बाउंड्रीज होती है ना, उसका साइड्स का सम। तो x प्लस एक्स टू एक्स, बेस आ गया 2r। ध्यान रखना बच्चों, प्लस 2r मत करना, क्योंकि सेमी पेरीमीटर करते हैं ना, हाफ इंटू 2πr, 2πr के अंदर ये जो लेंथ है ना सेमी पेरीमीटर की, ये ऐड हो जाती है। तो आपको अलग से 2r ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये गलती का होता है, गलती होती है, ध्यान रखना। 2r प्लस एक्स कर दिया, पर ये हाफ 2πr में ये पूरा सर्कल और ये लाइन इसी में ऐड होता है, ये गलती होती है। मैं आपको हमेशा गलतियाँ सिखाता हूँ कि एग्जाम में गलतियाँ होती है, तो इधर थोड़ा सा लिख देना अपने व्हाट्सअप लैंग्वेज के अंदर कि हाफ 2πr के अंदर ये जो लाइन होती है ना, ये इसी के अंदर इंक्लूडेड रहती है। सो फाइनली मेरे पास कितना आया बच्चों, 10 इक्वल टू 2x प्लस 2r प्लस πr। यहाँ तक फंडा क्लियर, डन। अब जरा देखो मुझे एरिया कितना गिवन है, एरिया के बारे में बात करें, मैक्सिमम लाइट थ्रू इट। तो एरिया बोले तो क्या होगा अपन, एल इंटू बी रेक्टेंगल का। तो लेंथ कितनी है 2r और ब्रेथ कितना है x, तो मैं कह सकता हूँ 2xr, कोई दिक्कत किसी को। और उसका कितना होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं है। सर थोड़ा क्वेश्चन को समराइज करें अपन, चलो थोड़ा क्वेश्चन को समराइज भी कर लेते हैं अपन। मुझे एक्चुअल में मैक्सिमाइज क्या करना था, एरिया को। तो एरिया हो जाएगा मैक्सिमाइज, फिर लाना क्या है, टू फाइंड क्या है, एक्स एंड आर, एक्स और आर तो लाना है, डायमेंशंस। अच्छा और गिवन क्या है, गिवन मेरे पास सर है इसमें पेरीमीटर गिवन है, जो कि है 10 मीटर। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर है, क्वेश्चन को समराइज करना आ गया बच्चों आप लोगों को अच्छे से, चले आ गए अपन। नाउ देखो अब समझो, ये गिवन है, इसका हमेशा यूज होता है टू एलिमिनेट, एलिमिनेशन में काम आता है। तो जरा देखो बच्चों, 2x ये रहा है ना, और जरा देखो 2x यहाँ पे भी है। सो गाइस कैसे करेंगे अपन, इसको वहाँ भेजेंगे। सो 2x को सो 10 माइनस 2r माइनस पाई r, कोई तकलीफ तो नहीं है। सो अपन यहाँ पे इसको हटा रहे हैं, यहाँ पे 10 माइनस 2r माइनस पाई r, बाहर r मिल गया, प्लस हाफ पाई r स्क्वायर। फिर एरिया बोले तो आया 10 r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर प्लस हाफ पाई r स्क्वायर, कोई तकलीफ किसी के, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखो बच्चों यहाँ पे, इसको देखना, सिंगल यूनिट में से मैंने हाफ माइनस कर दिया एक में से, तो कितना हाफ ही बचा भाई, नेगेटिव का। अरे सिंपल यार, सिंपल सी चीज़ करी मैंने, कितना हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। अरे आधा एरिया, पूरा एरिया में माइनस हो गया था, एक किलो में से आधा किलो खा गया तो हाफ बचेगा, बट नेगेटिव साइन बड़ी क्वांटिटी के साथ है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों? नाउ देखो पूरा इक्वेशन आर की फॉर्म में आ गया। नाउ आई कैन डिफ्रेंशिएट, नाउ डिफ्रेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू आर परफेक्ट परफेक्ट है कि नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर डी ए बाय डी आर निकालो, सो टेन माइनस फोर आर, देखो आर किस प्रकार, टू आर, टू टू जा फोर, आर इस प्रकार टू आर, वो टू और ये टू हाफ कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा पाई आर। ठीक है ना, अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि जीरो रखना है, तो टेन माइनस फोर आर माइनस पाई आर इक्वल टू जीरो, बच्चों डन, यहाँ तक। इनको वहाँ भेजा, तो टेन इक्वल्स टू आर फोर प्लस पाई, नीचे आया तो आर आया टेन अपॉन फोर प्लस पाई। सो फाइनली दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। आई बस उनमें रेडियस आ गया, एक्स निकालना है, डायमेंशन आर आ गया, एक्स निकालना है बच्चों। तो फाइनली अपन अब निकालते हैं, एक्स निकालते हैं बाय वन, बाय वन, 2x इक्वल्स टू टेन माइनस टू आर माइनस पाई आर। सो देखो 2x इक्वल्स टू टेन माइनस टू, अच्छा जरा देखना बच्चों यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, माइनस आर ले लिया तो 2 प्लस पाई बचेगा, 2 प्लस पाई, सो 2x इक्वल्स टू टेन माइनस आर की वैल्यू ये रही, टेन अपॉन फोर प्लस पाई, फिर टू प्लस पाई, सिंगल एलसीएम लो, टेन फोर प्लस पाई माइनस टेन टू प्लस पाई अपॉन फोर प्लस पाई, कोई दिक्कत नहीं है, चले यहाँ से, टू एक्स इक्वल टू टेन फोर्टी हो गया प्लस टेन पाई माइनस ट्वेंटी माइनस टेन पाई अपॉन फोर प्लस पाई। सो बच्चों जरा देखो ये टेन पाई और ये टेन पाई निपटा निपटा, सो टू एक्स इक्वल टू फोर्टी माइनस ट्वेंटी, तो ट्वेंटी अपॉन फोर प्लस पाई। सो जरा देखो एक्स कितना आया, टेन अपॉन ट्वेंटी, एक्स कितना आया, हमने कुछ गलती करी क्या, देखो बच्चों टेन अपॉन फोर पाई, तो x भी मेरे पास 10 अपॉन 4 पाई आया। ठीक है चलो 10 अपॉन 4 प्लस पाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 40 हो गया यहाँ पे 20 आ गया, परफेक्ट बच्चा परफेक्ट। ठीक है नाउ जरा देखो x भी आया इतना, पर लेंथ कितनी होगी बच्चा, सुनो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि है 2r है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 2r है ना, तो 2r, x तो 10 अपॉन 4 प्लस पाई, पर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आ जाएगी 20 अपॉन 4 प्लस पाई, अरे r ये रहा r रखो यहाँ पे, तो 20 अपॉन 4 प्लस पाई परफेक्ट। नाउ देखो मुझे क्वेश्चन में लाना है अब मैक्सिमम, तो एरिया का डिफरेंस करें करें, इसको नाम दे देते अपन 2। Now, again, differentiate equation 2 with respect to R. जरा देखना ध्यान से देखना, 0 माइनस 4 माइनस का पाई, अरे R का तो मान हो गया ना, so मुझे मिल रहा है माइनस कॉमन 4 प्लस पाई विच इज लेस देन 0, सो एरिया ऑफ विंडो is maximum when x equals to 10 upon 4 plus pi and r ki value bhi hai mere paas 10 upon 4 plus pi. Kya funda, clear guys? Bahut easy question hai, bas ye dhyan rakhna, bas ek cheez yahan dhyan rakhna yahan pe ye cheez na ki jo half pi r 2 pi r kara na isme ye line add ho chuki hai, theek hai, alag se 2 r mein add karna, bas fir simple process follow karo, aapka answer mil jayega, clear guys? तो पॉज द वीडियो नोट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन में 12th की, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन दोनों ही बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन हैं, मतलब रिवीजन की जरूरत है इसकी, ठीक है यहाँ पे, सो बार बार रिवीजन करते रहना इन चीज़ों के।
ना क्या कह रहा है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए ट्राइंगल, पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए ट्राइंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्राइंगल शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/2। ठीक है चलो क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट, लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम फर्स्ट। ठीक है ना, देखो बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल, कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट है हाइपोटेनस पे, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस, मान लो कहीं पे भी, ये नहीं बोला कि सेंटर में है, कहीं पे भी हो सकता है बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्राइंगल, अब डिस्टेंस हमेशा होती है परपेंडिकुलर, तो इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं अपन यहाँ पे बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत, चलें अपन आगे कुछ नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी और एम एन और इसको पी देते हैं, परफेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। नाउ बच्चों प्लीज़ ध्यान देना, यहाँ पे लगाएंगे अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है प्लीज़ देखना, अच्छा ज़रा देखना ध्यान से देखना, ये ए तो इसको अगर मैं थीटा मानता हूँ तो ये भी क्या होगा थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अरे डिस्टेंस है ना, तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगी पैरेलल होगी, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, तो ये दोनों एंगल क्या बने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, परफेक्ट क्लियर है यहाँ पे। चलो अब मुझे क्या करना है, पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है हाइपोटेनस को मिनिमम करना है, वी हैव टू प्रूव दैट हाइपोटेनस इज मिनिमम, जरा देखना मैं कुछ स्पेस छोड़ रहा हूँ, हाइपोटेनस को एच मान लें, हाइपोटेनस किससे बना ए पी प्लस पी सी, ए पी प्लस पी सी कोई दिक्कत बच्चों, अब देखना मैं जो चीज़ करने वाला हूँ यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है देखो मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी सी एन देखना, पी सी एन, ठीक है प्लीज़ ध्यान देना, मुझे पी सी चाहिए बेस ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, इतने ट्राइंगल के अंदर बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है कॉस में आता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन पी सी, पी सी पर भेजो तो ए अपॉन कॉस थीटा, सो पी सी हो जाएगा ए सेक थीटा, यस और नो, मैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में लाने वाला हूँ बच्चों, इस ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ए पी एन, ए एम पी छोटा ट्राइंगल, ठीक है ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो किस फॉर्मूला में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है साइन के अंदर, ठीक है ना, मुझे जनरली इन्हीं के फॉर्मूले याद है ना, तो बी अपॉन ए पी, परफेक्ट कोई दिक्कत, देखो बच्चों इसको उधर भेजा तो ए पी इक्वल्स टू बी अपॉन साइन थीटा, तो ए पी क्या आया बी कॉजैक थीटा, अरे वन अपॉन साइन, देखो बच्चों बात सुनो, मुझे कुल मिला के हाइपोटेनस को मिनिमम प्रूव करना है, सो मैंने पहले किराने की दुकान पे जब जाता हूँ लिस्ट बना के जाता हूँ ताकि मैं कोई सामान भूलूँ ना, तो हाइपोटेनस हुआ ए पी प्लस पी सी, फिर मैंने सोचा कि यार ए पी और पी सी को क्यों ना मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखूँ ताकि मेरा ए बी काम आ जाए और पी सी का फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ जाए, तो मैंने ए पी और पी सी को यह सोचा, गाइस इस क्वेश्चन को दो बार करना पड़ेगा, ठीक है सर क्वेश्चन थोड़ा समराइज करो ना, समराइज करेंगे अपन, चलो देखो बच्चों मुझे हाइपोटेनियस को लाना है मिनिमम, फिर बात करते हैं टू प्रूव क्या है बच्चों, हाइपोटेनियस की क्या आनी शो देते हैं मिनिमम लेंथ, हाइपोटेनियस आनी चाहिए ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, और गिवन क्या है, गिवन मेरे पास ए और बी गिवन है, ठीक है ए एंड बी गिवन था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ए एन बी गिवन है परफेक्ट, चलो मैं आगे कोई आपत्ति किसी के, चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, अपन हाइपोटेनस आ गया ए पी प्लस पी सी, मैं यहाँ पुट करता हूँ वैल्यू, तो एच इक्वल्स टू ए सेक थीटा प्लस बी कॉजैक थीटा, दिस इज द हाइपोटेनियस, और फाइनली मुझे हाइपोटेनस बनाना है वो जो क्वेश्चन ने बोला है, चलो पूरा क्वेश्चन थीटा के फॉर्म में आ गया, थीटा सिंगल वेरिएबल, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, परफेक्ट, सो गाइस देखो डी एच बाय डी थीटा, ए सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स,
तो sec थीटा, tan थीटा, बी हो गया। कॉजेक का होता है क्या होता है बच्चों, माइनस कॉजेक स्क्वायर थीटा, नहीं माइनस कॉजेक थीटा एंड cot थीटा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस कॉजेक थीटा cot थीटा, परफेक्ट। नाउ बच्चा बच्चा जानता है, अपन हमेशा बोलते हैं कि जीरो रखना है डी पर थीटा को, फिर ए sec थीटा tan थीटा माइनस बी जीरो, इसको वहां रखा, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आता। नाउ गाइस देखना, ठीक है, sec को खोलो, वन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, ठीक है, बी रहन दो, कॉजेक होता है वन अपॉन साइन थीटा, और ये होता है कॉज अपॉन साइन थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। सो जरा देखो इन दोनों को, मैं जरा ध्यान से देखना बच्चों, इन दोनों को ऊपर भेज रहा हूँ, इसको वहाँ भेज रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से, ध्यान से, प्लीज़ ध्यान से, और ए बी को नीचे भेज रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना, ए ये बी नीचे आ गया, ठीक है, एक क्या काम कर सकते हैं अपन को और अच्छा कर सकते हैं, रुको, ए को नीचे भेजते हैं, बी अपॉन ए, प्लीज़ ध्यान देखना, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू साइन साइन क्यूब थीटा, कॉज ऊपर है, नीचे कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, उधर से एंट्री इस कॉस ने नीचे मारी, तो क्या हो जाएगा ये कॉस क्यूब थीटा होगा कि नहीं होगा, बोले तो टेन क्यूब थीटा होगा कि नहीं होगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, बोले तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए की पावर वन थर्ड, यस और नो, बोलो बच्चों, परफेक्ट, चले आगे अपन। सो कहने से टेन थीटा इक्वल्स टू बी की पावर वन थर्ड अपॉन ए की पावर वन थर्ड, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है यहाँ से, चलें अपन। अब देखो क्या कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चन को मिनिमम इम्प्रूव करना है, यहाँ तक क्लियर गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना मैं कुछ और करने जाऊँगा यहाँ का काम, प्लीज़ ध्यान से देखना बच्चों, एज वी नो, एज वी नो क्या आया है, टेन थीटा आया है बच्चों, बी की पावर वन थर्ड, ए की पावर वन थर्ड, और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस और नो, कोई शक किसी को। सो गाइस अब प्लीज़ ध्यान से देखना, ध्यान से, मैं इसी डायग्राम में चेंज कर रहा हूँ, या चलो नया डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए, देखना बच्चों यही डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ वापस, परपेंडिकुलर हो गया बी की पावर वन थर्ड, ये हो गया ए की पावर वन थर्ड, सबको पता है पी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कैन आई राइट लाइक दिस, रूट ऑफ ए की पावर वन थर्ड प्लस बी की पावर वन थर्ड, सर कैसे लिया है, अरे यार जरा देखो यार, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं बोर्ड एग्जाम में, अच्छा नहीं 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 गड़बड़ तो हुआ है, गड़बड़ तो हुआ है, जरा देखना ध्यान से देखना, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी कितना है का होल स्क्वायर, तो h स्क्वायर कितना आएगा, b की पावर 2 बाय 3, a की पावर 2 बाय 3, तो h कितना आया, रूट ऑफ a की पावर 2 बाय 3 प्लस b की पावर 2 बाय 3, सो भाई साहब क्या लिखें इसको, a की पावर 2 बाय 3 प्लस b की पावर 2 बाय 3 का होल रूट, यहाँ तक क्लियर, परफेक्ट हो, चलें बच्चों आगे, मैं ये ले आया, डन। सो गाइस जरा देखना sec कितना होगा, मैं पहले प्रूव कर रहा हूँ, चलो नाउ यहाँ तक क्लियर, ये प्रोसेस याद रखना चाहिए, ध्यान रखना, इनको हाइपोटेन्यूज तोड़ा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लेके आया, यहाँ जोड़ा डिफ्रेंशिएट किया फिर काम हो जाएगा। नाउ जरा देखना बच्चों, sec थीटा होता है कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सो sec थीटा के बारे में बात करते हैं, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज बोरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 2 बाय 3 प्लस बी की पावर 2 बाय 3 अपॉन, ये डायरेक्टली पुट कर दूँ बच्चों, डायरेक्टली पुट कर दूँ, स्पेस नहीं है अपने पास, डायरेक्टली पुट कर देते अपन, प्लीज़ देखना मेरे पास स्पेस नहीं है इतना,
सो एच इक्वल्स टू ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा के बारे में बात करते हैं। मुझे हाइट को प्रूव कर रहा हूँ, हाइपोटेनस को। ए सेक होता है हाइपोटेनस अपन बेस, तो हाइपोटेनस कितना है बच्चों, बेस कितना है, फिर बी कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना और अपॉन बेस कित और परपन कितना, पी के पावन बाय थ्री, परफेक्टो। चलो बच्चों आगे चलें। कॉमन क्या दिख रहा है सर, रूट वाला दिख रहा है, रूट ए की पावर टू बाय थ्री प्लस बी की पावर टू बाय थ्री, देन ऊपर ए बचा। अच्छा डायरेक्ट करें क्या, जरा सोचना बच्चों, ये चीज़ ऊपर जाएगी तो ए की पावर वन माइनस वन बाय थ्री होगा कि नहीं होगा, छोड़ो लिख देता हूँ यार, कुछ बच्चे फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे मेरे, ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं। ये बचा, सो गाइस देखना, सो एच इक्वल्स टू ए की पावर टू बाय थ्री प्लस बी की पावर टू बाय थ्री, यहाँ लेना ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर टू बाय थ्री बचेगा और बी की पावर भी टू बाय थ्री बचेगा, यस और नो। अरे ये ऊपर गया, ऊपर पावर में कितना है बच्चा, वन है, वन माइनस वन बाय थ्री कितना हुआ, टू बाय थ्री हुआ कि नहीं हुआ। अब जरा सोचो ये हाफ तो सेम सेम आ रहा है, ये हाफ इसकी पावर कितनी वन, इसकी पावर कितनी है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो वन और रूट होता है हाफ, वन प्लस हाफ होता है कितना, थ्री बाय टू, यस और नो, अरे वन प्लस हाफ थ्री बाय टू। सो एच इक्वल्स टू ए की पावर टू बाय थ्री और बी की पावर टू बाय थ्री की पावर थ्री बाय टू मैंने प्रूव कर दिया, यस और नो बच्चों। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, आई थिंक विजिबल है ना गाइस। एक चीज मुझे सिखानी थी, राज रखा उसको मैंने अभी तक, वो राज क्या था बच्चों, आपको एक बात बताया ना कि ये जो थीटा होंगे ये एक्यूट एंगल होंगे, यस और नो, एक्यूट एंगल होंगे, तो जो थीटा होगा मेरा वो जीरो से लेकर 90 के बीच में ही होगा, यस और नो। अच्छा मतलब सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सेक थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव, क्या बात समझ में आई। अब ये सर क्यों पढ़ा रहे हो, ये काम आएगा अब, जरा देखना बच्चों क्वेश्चन, ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है गाइस, हो जाएगा आई थिंक हो जाएगा, ये चीज़ याद रहनी चाहिए प्रैक्टिस से, यहाँ पहुँचे डिफ्रेंशिएट किया और आराम से आपको मिलेगा। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट किसको करना है, ये रहा पूरा बड़ा सा, अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन, ठीक है। सो जरा देखो डी स्क्वायर, अब मेरे पास स्पेस भी नहीं है यार मेरे पास बच्चों, सो गाइस मैं ये चीज़ आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, अपन को कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करना, स्पेस ही नहीं है आपके पास, ठीक है। सो पर आप लोग कर सकते हैं, अपन ने हर क्वेश्चन में डबल डिफ्रेंशिएट करा है और आप लोग आंसर लेके आए हैं, मैं करके दिखाऊँ, चलो करके दिखाते हैं। चलो सो ए लिखा, प्लीज़ ध्यान देना यहाँ पे दो फंक्शन है, सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स बैठेगा, फिर प्लस आया, फिर बच्चों टेन बैठा सेक बैठा, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, परफेक्ट। देन माइनस ये बी बैठा, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन, कॉसेक बैठेगा, मानो कॉसेक चुपचाप से बैठ गया, कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, ठीक है, नहीं कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, परफेक्ट। चलो फिर कॉट बैठा और उसका होता है कॉसेक का माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, परफेक्ट। आई थिंक विजिबल होगा यहाँ पे, आई थिंक विजिबल होगा, ठीक है। चलो सो गाइस क्या आया ए, जरा ध्यान से देखना, सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा, यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, माइनस कॉमन निकाला तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस बी कॉसेक क्यूब थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, दिस इज माई डबल डिफ्रेंशिएशन गाइस। एंड सी गाइस इसमें कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज सारे थीटा किस में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैं लिख देता हूँ इस लाइन को एज
एस थीटा जो लाई कर रहा है जीरो से लेके पाई बाय टू ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट परफेक्ट. सो डी स्क्वायर एच अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर विल बी व्हाट पॉजिटिव बोले तो ग्रेटर देन जीरो. सो हाइपोटेनस इज मिनिमम. सो गाइस सो हाइपोटेनियस इज मिनिमम. ओके परफेक्ट गाइस क्लियर समझ में आया. ये चीज़ बेसिक चीज़ थी ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना. फिर तो सिंपल गाइस ये चीज़ें ना बहुत इजी है. डिफरेंशिएशन जिसको आता है ना बहुत इजी है, सिर्फ मेन चीज़ यहाँ सोचने का होता है, अदरवाइज वेरी इजी गाइस. क्लियर हम लोग लिया है डबल डिफरेंशिएशन, सारे एंगल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जीरो से पाई बाय टू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होंगे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होंगे, तो नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती है गाइस. सो गाइस ये मिनिमम हो गया. क्लियर गाइस पॉज द वीडियो नोट डाउन. बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बच्चों. क्लियर गाइस डन. चलो बच्चों.